डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सेस प्रोटेक्शन के बारे में जाना और वो भी मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझाया था। आई बटन प्रेस करके आप उस बटन उस पे जा सकते हैं और देखने के बाद इस वीडियो को शुरू करें। एक्चुअली क्या है कि उसी का डेमोंस्ट्रेशन मुझे इसमें दिखाना है, तो वो कैसे काम करता है इस बात को समझाना है। तो एक प्रोग्राम जो होगा वो एक कॉन्सेप्ट होगा, ना कि मेरा कोई एग्जीक्यूशन वाला प्रोग्राम होगा। पहले मैं वो समझा दूंगा, फिर वो कहाँ लगाया जाता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, एक प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो देखो, इस समय पे जो यहाँ बनाई गई है वो हमारी क्या है, सबसे पहले लिखी गई है बेस क्लास। बेस क्लास के अंदर मैंने ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो समझाना चाहता हूँ। तो देखो, इंट में एक प्राइवेट डेटा लिखा है, प्रोटेक्टेड में प्रोट डेटा लिखा है और पब्लिक में पब डेटा लिखा है, और एक फंक्शन वन बनाया है जिसमें प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड तीनों चीजों को मैंने एक्सेस किया है। हर हालत में ये चलेंगे यहाँ पे, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ओके, दूसरी ये भी चीज ओके होगी, उसका कारण क्योंकि अपनी क्लास के अंदर सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब डिराइव्ड वन जो पहली क्लास बनी है उसमें मैंने फंक्शन टू बनाया है जिसमें बेस को पब्लिकली इनहेरिट किया है, अगर क्लास के अंदर मैं क्या क्या चीज एक्सेस करना चाहता हूं ये पता करूं, तो आपका जवाब होगा प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इनहेरिटेंस चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे प्राइवेट हो, यहां कुछ भी लिखा हो लेकिन क्लास के अंदर एक ही बात रहती है, क्या सिर्फ ये कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस होते हैं, प्राइवेट नहीं होते। इसका मतलब प्राइवेट पे आपकी आएगी एरर और इन दोनों पे ये होगा ओके और ओके। आगे बात समझ में। अब इन दोनों क्लासेस की जब बात करोगे तो सीधी सी बात है, डिराइव प्रोटेक्टेड भी हो रही हो या प्राइवेट हो रही हो, सब में एक ही केस चलेगा, क्या मतलब ये एरर होगी और ये ओके होगा और ये ओके होगा और फिर ये एरर होगी और ये दोनों फिर तुम्हारे ओके यानी कि एग्जीक्यूट होंगे। तो सीधी सी बात है, क्लासेस के अंदर तीनों एक्सेस प्रोटेक्शन में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। फिर फर्क आता कहाँ है? फर्क आता है जब नॉन मेंबर के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक चीजें एक्सेस की जाती हैं। तो बेस क्लास की पब्लिक चीजें डिराइव्ड क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस हो सकती हैं, ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में बताया गया और पिछले वीडियो में भी मैंने ये समझाया। लेकिन जहां इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होगी तो कभी भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास के पब्लिक चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देखो, बस यही एरर दिखानी है मुझे क्या क्या रहती है। एक डिराइव्ड वन का ऑब्जेक्ट है, एक बेस का ऑब्जेक्ट है, एक डिराइव्ड टू का ऑब्जेक्ट है, एक डिराइव्ड थ्री का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे देखते हैं एरर कौन कौन सी बनेंगी, फिर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट अपने प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है? नेवर, यानी कि एरर बनेगी। बी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास के प्राइवेट को नहीं कर सकता, प्रोटेक्टेड को कर सकता है? नहीं। पब्लिक को कर सकता है? हाँ, अपने पब्लिक को कर सकता है सिर्फ। तो यहां एरर नहीं बल्कि ओके बनेगा, पहला केस। अब डिराइव्ड वन का ऑब्जेक्ट है डी वन, और डी वन के थ्रू मैंने प्राइवेट डेटा, प्रोट डेटा और पब डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, किसके? बेस क्लास के। तो देखो, इन दोनों में तो हर हालत में एरर ही आनी है। जब अपनी क्लास अपनी चीजों को एक्सेस नहीं कर सकती, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को, तो डिराइव्ड क्यों करेगी? पहली बात, इन्हीं पे मैं तीनों क्लासेस के लिए बात करूंगा। ये देखो एरर बनेगी और ये भी एरर बनेगी, क्यों? ये प्राइव और प्रोटेक्टेड डेटा है। ये भी एरर बनेगी, प्राइव और प्रोटेक्टेड डेटा है। ठीक है, अब बात आती है पब्लिक, पब्लिक मैंने तीनों छोड़ दिए। तो जब डेटा, देखो इनहेरिटेंस अगर D1 की है और D1 में पब्लिक इनहेरिटेंस है, तो पब्लिक इनहेरिटेंस वाले में बेस क्लास के पब्लिक को एक्सेस करेगा, अगर करेगा यानी कि पब्लिक बन के आएगा वहां से। तो अगर पब्लिक बन के आता है तो यहां तो बनेगा ओके, और इन दोनों केस में एरर ही बनेगी, बस यही फर्क होता है प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड में। मैंने डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझाया, अगर अभी भी समझना आया डायग्राम को फिर से जाके मेरी पिछली वीडियो को देख के और फिर इस वीडियो को देखो, समझ आ जाएगा। अब मुझे ये दिखाना है कि इसको अप्लाई कहां किया जाता है, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो,
मैंने अगला जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को पहले मैं बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे बताऊंगा किस में प्राइवेट और किस में पब्लिक किया जा सकता है। तो देखो अब बोर्ड पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उस डायग्राम में मैंने एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है जिसमें एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस को यूज किया गया है। तो यहां देख रहे हो क्या क्या है, मैं जरा दिखा दूं एक बार। स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर, क्वालिफिकेशन, गेट डेटा, शो डेटा। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी और गेट एंड शो डेटा। ठीक है, इन दोनों क्लासेस को मैनेजर ने इनहेरिट किया, यानी कि मैनेजर में डेप्ट और कैटेगरी और फिर गेट डेटा शो डेटा, और साइंटिस्ट के अंदर साइंटिस्ट ने भी दोनों को इनहेरिट किया और क्या वो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश, गेट डेटा एंड शो डेटा। लेबरर ने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई को इनहेरिट किया और उसके अंदर कोई भी चीज मैंने नहीं रखी है, ब्लैंक बॉडी बनाना है मुझे। अब एक डेली वेज, लेबरर को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो डेली वेजेस वाले होते हैं जो रोज पैसे लेते हैं और रोजाना काम करते हैं, एक मंथली वेजेस होते हैं जो मंथली के हिसाब से पैसे लेते हैं, यानी कि सैलरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने वेज लिखा है, इसके अंदर सैलरी लिखी है, इसमें गेट डेटा, इसमें शो डेटा, इसमें गेट डेटा और शो डेटा लिखे हैं। अब आपको साफ ये फोटो से ये समझ में आना है कि कहां मुझे पब्लिक इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी, कहां प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। देखो इनमें मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो एक तो मैनेजर का बनाऊंगा, एक साइंटिस्ट का बनाऊंगा, एक डेली वेज का बनाऊंगा, एक मंथली का बनाऊंगा। ठीक है, तो जिस समय पे मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस समय पे मैनेजर का ऑब्जेक्ट जो होगा वो गेट डेटा और शो डेटा को जब कॉल करेगा तो अपने कॉल होंगे, यानी कि अगर कोई इनकी चीजों को एक्सेस करना चाहेगा तो इनडायरेक्टली एक्सेस होगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। तो इस समय पे मैनेजर के अंदर स्टूडेंट को और एम्प्लॉई को जब इनहेरिट करना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है पब्लिक लगाने की, यानी कि अपना ऑब्जेक्ट अगर अपनी चीजों को कॉल करे, ऊपर की चीजों को कॉल ना करे, यानी कि बेस क्लास की चीजों को कॉल ना करे, तो आप प्राइवेट लगा सकते हैं। तो यहां प्राइवेट लगाने से भी मेरा काम चलेगा। साइंटिस्ट की बात आएगी तो इसका ऑब्जेक्ट अपने गेट डेटा और अपने शो डेटा को एक्सेस करेगा, इसलिए इनको प्राइवेट लगाने से काम चलेगा। अब क्वेश्चन आता है लेबरर, लेबरर के नीचे लेबरर में क्या लगाऊं, लेबरर में देखो यहां का गेट डेटा और शो डेटा, क्योंकि इसके पास अपना नहीं है, ये यहां से यहां भेजेगा और यहां से ये दोनों डेली वेज और मंथली दोनों के दोनों हमारे यूज करेंगे। अगर ये यहां तक पहुंचाना है इस गेट डेटा को तो आप यहां प्राइवेट नहीं कर सकते। अगर आपने एम्प्लॉई को प्राइवेटली इनहेरिट किया तो प्राइवेट बन के जाएंगे गेट डेटा और शो डेटा, वो आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो आप यहां पे लेबरर के साथ इनहेरिटेंस कौन सी लगाएंगे, आप प्रोटेक्टेड या पब्लिक। अगर पब्लिक लगाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत थी, जबकि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाना इन दोनों का। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको प्रोटेक्टेड भी करूं तो मेरा काम चलेगा, यानी कि एम्प्लॉई को मैं प्रोटेक्टेडली इनहेरिट करूंगा जिससे गेट डेटा एंड शो डेटा बोथ विल बिकम द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। अब प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी सेंड टू द वेज, डेली वेज एंड मंथली, क्योंकि मंथली और डेली वेज के जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो अपने गेट डेटा और अपने शो को कॉल करेंगे, अपने गेट डेटा और शो को कॉल। तो इसका मतलब इन दोनों का जब कॉल होगा तो इनके अंदर लेबरर को आप प्राइवेट रख सकते हैं, लेकिन लेबरर को प्रोटेक्टेड, लेबरर के अंदर एम्प्लॉय को प्रोटेक्टेड इसलिए लिखा क्योंकि लेबरर के थ्रू यहां पे गेट डेटा किसका, एम्प्लॉय का जाएगा और मंथली के अंदर भी गेट डेटा वहां से प्रोटेक्ट में आ जाएगा और आगे मंथली में जाएगा, गेट डेटा और शो डेटा दोनों इस तरह से जाते हैं। तो मैंने यही समझाना था, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर भी इसका एक प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूं और दिखाता हूं कैसे चलता है। वो मैंने यहां रखा हुआ है, हाँ हमारा प्रोग्राम है सबसे पहले स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर मैंने ये दोनों चीजें रखी। ये प्रोग्राम तो आपको खूब अच्छे से समझ में आते हैं, बस मुझे ये इनहेरिट करना बताना है कि पब्लिक और प्राइवेट कहां लगाना है, क्योंकि ये सब प्रोग्राम मैं समझा चुका हूं पिछले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर ये है और एम्प्लॉई, ये हमारी पूरी क्लास बनी हुई है, वो आपकी पुरानी वाली क्लास मैंने यूज करी है। अब बात करी मैनेजर, मैनेजर के आगे मैंने अब तक पब्लिक लिखना सिखाया था, आज से आप प्राइवेट लिखें पब्लिक लिखें, आप अपने कॉमन सेंस से काम करेंगे। यहां प्राइवेट मैंने क्यों लिखा, यहां प्राइवेट मैंने क्यों लिखा, तो देखो इसके अंदर गेट डेटा और शो डेटा मैंने एक्सेस किया, डजंट मैटर, उसकी तो कोई भी चीज जो प्रोटेक्टेड या पब्लिक होगी वो यहां आएगी आएगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजर बनेगा सीधा मैं मैनेजर के अंदर, ऐसी शो डेटा के अंदर देख लो ये है। अब जब मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैनेजर का ऑब्जेक्ट जहां बनेगा एमए है और एमए ने गेट डेटा को कॉल किया, तो गेट डेटा कौन सा कॉल होगा, ऑब्वियसली मैनेजर
मैनेजर का कॉल होगा तो मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं प्राइवेट कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, इसको प्राइवेटली इनहेरिट कर दिया है, ठीक है। ऐसी एम्प्लॉई को एम्प्लॉई का भी गेट डेटा लेने की जरूरत नहीं, ऐसी शो डेटा की जरूरत नहीं। अब आती है बात साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट में भी दोनों को प्राइवेट किया, उसका कारण यही रहा जो हमारा मैनेजर के साथ था, क्योंकि जब साइंटिस्ट का ऑब्जेक्ट गेट डेटा और शो डेटा को कॉल करेगा तो इसके खुद के गेट डेटा और शो डेटा कॉल होंगे। अब आ जाओ लेबरर पे, तो लेबरर को प्रोटेक्टेड क्यों किया, मैंने बताया ऊपर की चीजें मुझे नीचे भेजनी है, यानी कि अगर मैंने प्राइवेट कर दिया तो वो यहां प्राइवेट आएंगे और आगे कभी भी ले जा नहीं पाएंगे, और मुझे ये डेली वेज में लेके जाने हैं। डेली वेज में अगर गेट डेटा को लेके जाना है तो मुझे प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। मैं दिखा दूंगा अभी एरर आने वाली चीज को। अब ये शो डेटा भी यहाँ पे ऐसे, अब लेबरर के बाद मंथली और वेज दोनों आ गए, और डेली वेज में और मंथली में मैंने ऐसी बनाया है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मैनेजर की, तो मैनेजर का ऑब्जेक्ट, साइंटिस्ट का ऑब्जेक्ट, डेली वेज का ऑब्जेक्ट, मंथली का ऑब्जेक्ट, यानी कि सबके ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे सबके गेट डेटा को। देखो पहले मैनेजर का चलेगा, फिर साइंटिस्ट का, फिर डेली वेज का, और फिर मंथली वेज का, ठीक है। और इन दोनों, इन सब के क्या चीज, शो डेटा भी अपने काम करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके आउटपुट में आपको, आप सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं, सबसे पहले मैनेजर चल रहा है, तो मैनेजर में मैंने इसका, मैनेजर का रोल नंबर यानी कि स्टूडेंट का पहला हिस्सा चलता है 101, मैनेजर का क्वालिफिकेशन एम बी ए, और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी 102, और नेम मैंने लिखा राकेश, और मैंने सैलरी लिखी 50,000, ठीक है। और कैटेगरी मैंने लिखी सेल्स, और डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर, ठीक है। अब साइंटिस्ट में आ जाओ, तो साइंटिस्ट में भी क्या लिखेंगे, रोल नंबर उसका 103, और क्वालिफिकेशन पी एच और डी, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी 104, नेम सुरेश, और इसकी सैलरी 1,00,000, और रिसर्च पेपर पब्लिश्ड 50 लिख देते हैं। अब लेबरर पे आगे, डेली वेज लेबरर, अब लेबरर नहीं है, डेली वेज लेबरर है, इसकी एम्प्लॉय आईडी 105, और नेम RJEE सुरजीत, और सैलरी इसकी हो गई 5,000, और उसके बाद वेज ऑफ, अच्छा इसमें सैलरी भी ले ली, वेज सॉरी सैलरी यहां पे हटाई जा सकती थी, अगर लग गई है तो लग जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना था, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, यहां से सैलरी हटा के मुझे जो है ना वेज पे जाना चाहिए था, ठीक बात है। तो 1,000 इज 100 रुपीज पर डे कर देते हैं इसका, ठीक है, 100 लगभग है ना, हाँ। और ऐसी मंथली में भी पहुंच गया, नेम आईडी 106, और नेम हो गया रमेश, और सैलरी इसकी चलो 0 कर देते हैं, क्योंकि वेज पे चलाते हैं इसको, सैलरी पे चलाते हैं, तो ये वाली सैलरी इसकी 20,000 कर दी, चलो ठीक है। ये सारा डिटेल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सैलरी उसको ठीक भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, सैलरी आप वहां से हटा देना, तो क्या होगा, सबकी सैलरी हट जाएगी, और क्या होगा, जो वेजेस और मंथली वेज पे पहुंच जाएगा वो सैलरी और मंथली और डेली वेज दिखाने लगेगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अभी कहां प्राइवेट और कहां पब्लिक लगाना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और अच्छे से समझ में आ भी गया। मैं यहां पे काम करता हूं, देखो सबके प्राइवेट लिखने पे चल तो रहा है, अगर मैं यहां पे काम करूं जहां प्रोटेक्टेड मैंने लेबरर को किया है, लेबरर के अंदर प्रोटेक्टेड एम्प्लॉई को किया है, मैं अगर यहां प्राइवेट करूं तो देखो प्राइवेट, तो ये प्रोग्राम प्रॉब्लम करने लगेगा, यानी कि एरर आएगी। तो आप इसको कभी भी ना करें, कहां पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस यही मुझे समझाना था कि किस तरह से ये प्रोग्राम में काम करता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ना समझ आया हो फिर से वीडियो देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं आपको अलग से फिर समझाऊंगा, ठीक है। लाइव भी सेशन लिया जा सकता है, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में जो हम मिलते हैं वो हमारा होगा वर्चुअल बेस क्लास, तब तक के लिए विश यू गुड लक।